हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मान्य साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एसएमसी मीटिंग मई 2004, विद्यालय प्रबंध समिति का एजेंडा एवं बैठक कार्यवृत्त माह मई 2024 पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल के WhatsApp ग्रुप और Telegram ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो सबसे ऊपर लिखेंगे हम विद्यालय प्रबंध समिति का एजेंडा वे कार्यवृत्त माह 2024 सत्र 2023-24। ऊपर विद्यालय का नाम, नया पंचायत, विकासखंड और जनपद का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात हम प्रस्ताव, बैठक का विषय एसएमसी और मासिक बैठक एजेंडा लिखेंगे। एसएमसी बैठक एजेंडा और इसकी तारीख लिखेंगे 29/4/2024 दिन सोमवार रहेगा। प्रस्ताव कार्य योजना सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य गण ग्राम प्रधान एवं अभिभावक गण, आप सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक 1/5/2024 दिन बुधवार को समय 12:30 से 1:30 बजे तक विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है, सह समय प्रतिभाग करने का कष्ट करें, धन्यवाद। सूचना का माध्यम रहेगा मोबाइल फोन द्वारा, बच्चों द्वारा, रसोइयों द्वारा, स्वयं के संपर्क द्वारा। बैठक के प्रमुख निम्न एजेंडा बिंदुओं पर आवश्यक चर्चा होनी है, जैसे नवीन नामांकन पर चर्चा, लू बचाव, विद्यालय प्रबंध, विद्यालय बंद करने से पहले आवश्यक सामान की सुरक्षा पर चर्चा और गर्मी से पेड़ों की देखभाल, माता समूह पर चर्चा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पर चर्चा, विद्यालय की रंगाई पुताई और पेंटिंग पर चर्चा, ऑपरेशन कायाकल्प के 8 के अंतर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी एवं चर्चा, निपुण प्रगति रिपोर्ट पर DVT पर चर्चा और अन्य बिंदुओं पर चर्चा, जैसे शारदा योजना, समर्थ योजना, DVT, संचय रोग और बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव पर चर्चा, परिचर्चा और परिवार सर्वेक्षण पर चर्चा, आउट ऑफ स्कूल के बच्चों के नामांकन वे मिड डे मील में मेनू के अनुसार भोजन की समीक्षा करेंगे और इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं चर्चा करने के लिए। तो ये बैठक का कार्यवृत्त रहेगा महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश में आज दिनांक 1/5/2024 दिन बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री या श्रीमती जो भी होगा यहां पर नाम अंकित कर दिया जाएगा कि अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई। नियम के अनुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया। विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई और नवीन नामांकन पर चर्चा, वर्तमान 2024-25 1 अप्रैल से प्रवेश प्रारंभ हो चुका है और विद्यालय में उन बच्चों का नामांकन होना है जो बच्चे 1 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष पूरी करेंगे। यदि बच्चा 6 वर्ष से कम है तो उसे बाल वाटिका में भेजा जाएगा और अधिक से अधिक नामांकन हो, कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे, स्कूल चलो अभियान जागरूकता रैली निकालकर बच्चों को स्कूल में नामांकन कराएं, इस पर बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। लू से बचाव, इस बार शुरुआत में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने इसको लेकर पहले ही आगाह कर दिया है। इस बार अप्रैल से लेकर जून तक भयंकर गर्मी पड़ने वाली है और बच्चों को लू से बचाव के बारे में जागरूक करें तथा धूप में बहुत देर तक न रुकें। सुबह के समय प्रार्थना सभा छाया में कराई जाए और कमरों में बिजली और पंखों की व्यवस्था ठीक ढंग से की जाए, इस पर बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। अब तीसरा
बिंदु देख लेते हैं। विद्यालय बंद करने से पहले आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षा पर चर्चा और ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से प्रारंभ होकर 15 जून तक चलेगा, हो सकता है कि 30 जून तक चले, तो विद्यालय काफ़ी समय के लिए बंद रहेगा। इस बंद के दौरान चोरी आदि की घटना भी हो सकती है, इसलिए ज़रूरी सामान जैसे गैस सिलेंडर, किचन के ज़रूरी बर्तन आदि कीमती सामान को रसोईया या नज़दीकी किसी जिम्मेदार व्यक्ति के यहाँ रख दें ताकि चोरी होने से बचाया जा सके। आज की बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई और गर्मी से पेड़ों की देखभाल पर चर्चा। ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय विद्यालय में लगे पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए किसी को जिम्मेदारी दी जाए ताकि पेड़ पौधों को समय समय पर पानी मिलता रहे एवं पशुओं से भी पेड़ पौधों की सुरक्षा बनी रहे, इस पर बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। अब रहता है बिंदु नंबर 5, माता समूह पर चर्चा। विद्यालय में चयनित माता समूह से प्रतिदिन भोजन चखने वाली माताओं के नाम को पढ़कर सुनाया गया और उन माताओं का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया गया जो माताएं अपने नियत किए गए दिन वे विद्यालय में समय में आकर भोजन की गुणवत्ता की जांच करती हैं। उन माताओं से विद्यालय में बनने वाले भोजन पर विस्तृत चर्चा की गई। और छठा बिंदु है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पर चर्चा। सत्र 2024-25 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्त हो चुकी हैं और जो अभी भी अवशेष किताबें हैं उनको भी जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा, इस पर भी बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। और नंबर 7 है आपका विद्यालय की रंगाई पुताई और पेंटिंग पर चर्चा। विद्यालय की साफ सफाई और विशेष ध्यान दिया जाए और विद्यालय में लघु मरम्मत का कार्य रंगाई पुताई पेंटिंग के कार्य को प्रथम वरीयता से कराया जाए और प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया कि MDM टोल फ्री नंबर इतने पर कॉल करें, कोई भी जानकारी या शिकायत कर सकते हैं। शासन की मंशा के अनुरूप विद्यालय को सजाया संवारा जाए ताकि विद्यालय में पढ़ने आने वाले बच्चों की रुचि विकसित हो सके। और नंबर 8 है ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी एवं चर्चा। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मूलभूत टॉयलेटकरण, जल नल, सफाई आदि आवश्यक कार्य पंचायत स्तर से कराने के लिए पंचायत सचिव वे ग्राम पंचायत जी से संपर्क कर इन कार्यों को वरीयता से कराया जाए और इसके संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। निपुण प्रगति पर चर्चा। निपुण भारत मिशन के तहत बाल वाटिका से कक्षा 3 तक निपुण बनाने पर कार्य प्रगति पर है और विद्यालय में बच्चों की निपुण प्रगति को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम सक्षम विद्यार्थी निपुण बच्चे, जो बच्चे 80% से अधिक हैं। नंबर 2 माध्यम विद्यार्थी, जो बच्चे 50% से 80% तक हैं। और नंबर 3 हैं हमारे संघर्षशील विद्यार्थी, जो बच्चे 50% से कम हैं वह संघर्षशील विद्यार्थी हैं, उन पर उनके अभिभावकों को भी सूचित कर दिया गया है और प्रधानाध्यापक द्वारा स्टाफ व अन्य सदस्यों को अवगत कराया गया कि विद्यालय का हर बच्चा निपुण हो, इस पर कार्य योजना बनाकर शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग समय सारणी के साथ शिक्षक कार्य तथा शिक्षक डायरी भरी जा रही हैं। और विद्यालय में पाठ योजना बनाकर शिक्षण कार्य हो रहा है और समस्त स्टाफ समय से आ रहा है और जा रहा है। आज की बैठक के माध्यम से आप सभी लोग भी यथासंभव अपने बच्चों पर ध्यान दें और विद्यालय का अपेक्षित सहयोग करें। और 10वां बिंदु है DBT पर 2024-25 के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा, स्टेशनरी के लिए दी जाने वाली DBT की तैयारी भी विभाग ने समय से पूरे करने के लिए निर्देश दिए हैं। और महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देशानुसार यदि माता पिता में से कोई भी जीवित न हो तो उनके किसी रिश्तेदार का आधार प्रमाणित किया जाए और पोर्टल पर अपलोड डाटा को BEO सत्यापित करेंगे और अभिभावकों के आधार से जुड़े बैंक खाते और मोबाइल नंबर
की भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन पर बच्चों के आधार नहीं बने हैं उनके माता पिता से आधार बनवाने के लिए कहा जाएगा और अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई, जैसे समर्थ योजना, बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव पर चर्चा, परिवार सर्वेक्षण पर चर्चा, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के नामांकन, मिड डे मील में मेनू के अनुसार बच्चों की, इसके साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक का समापन किया गया और अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर माह की अगली बैठक हेतु पुनः बैठक में उपस्थित रहने का आग्रह कर आज की बैठक कार्रवाई का समापन किया गया। और नीचे आए हुए समस्त सदस्यों के साइन कराए लिए जाएंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।